मॉर्निंग ड्राइव बच्चों, आज देख रहे हैं हम हमारा आठवां पाठ माने कूड़ेदान। इस पाठ का जो है अभ्यास कार्य हमने शुरू किया था। आज जो है अभ्यास कार्य में प्रश्न क्रमांक 3 देखने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और उसमें आए हुए जो सर्वनाम शब्द है उन पर हमें क्या है गोला लगाना है। आपको पता है ना सर्वनाम शब्द कौन से हैं? मैं, आप, हम, ये जो है ये जो शब्द है ये जो है सर्वनाम शब्द है। यहाँ पर देखिए पहले वाक्य में हमें गोला लगा कर दिया गया है। वाक्य है मैं कई रंगों में पाया जाता हूँ। इसमें जो है मैं ये शब्द क्या है सर्वनाम शब्द है। आगे देखिए स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। यहाँ पर इस वाक्य में बताइए कौन सा सर्वनाम आया है? जी हमारे, ये जो है सर्वनाम यहाँ पर आया है इसलिए इसे हम गोला लगाएंगे। स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। इसमें जो है सर्वनाम शब्द हमारे है। यदि आप कूड़ा कचरा कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। यहाँ पर जो आप शब्द है ये सर्वनाम शब्द है आप। अगला वाक्य देखिए उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। यहाँ पर उसका ये जो है सर्वनाम शब्द है उसका, मतलब सर्वनाम जो शब्द होते हैं वो नाम शब्द के एवज में जो है इस्तेमाल किया जाता है। उसके बदले में नाम शब्द के बदले में जो है सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4, पढ़िए समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। यहाँ पर कुछ हमें संयुक्त शब्द दिए गए हैं, वो शब्द देखना है, पढ़ना है और समझकर जो है उसके जैसे हमें जो है एक शब्द बनाना है। तो देखिए ये आधा न है और ये पूरा है। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है नियम। यहाँ पर नियम इस शब्द में न आधा है और ये पूरा है। इनका वर्णविच्छेद नियम इस शब्द का वर्णविच्छेद कैसा है? इस प्रकार है न आधा है और यह पूरा है। नियम इस जो ये जो संयुक्त अक्षर दिया गया है इसका इस्तेमाल कर संयुक्त अक्षर कौन सा बना है शब्द संयुक्त शब्द अन्यथा धन्य। इसी प्रकार जो है हम शब्द बनाएंगे न्याय न्याय। अगला शब्द है ब जब, ब ये आधा है और जब पूरा है। जब जब मतलब ब का जो साउंड है जो आवाज है ध्वनि है वो कम होगी और ज का ज्यादा होगी। तो ये जो ज जो शब्द है उसका इस्तेमाल करते कर कर जो नए शब्द बनते हैं वो कौन से? सब्जी, कब्जा, नब्ज, नब्ज, ये सब बोलते। अब अगला देखिए श, ये आता है त, ये पूरा है ष्ठ, ष्ठ बोलते इसको ष्ठ। इसका आवाज कैसा आएगा ध्वनि ष्ठ। तो शब्द बनता है नष्ट, कष्ट और भ्रष्ट। इसी प्रकार
प ये शब्द आधा है और ल ये शब्द पूरा है। क्ल क्ल आवाज ध्वनि कैसी होगी ये दोनों को मिलाने के बाद क्ल और शब्द बनते हैं प्लास्टिक प्लेट प्लेटफॉर्म प्लेट प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म। आप दूसरे भी शब्द बना सकते हो प्लूटो है ना। अब आगे देखिए स ये जो है आधा है और व ये पूरा है। स्व ध्वनि कैसी होगी दोनों को मिलाने के बाद स्व शब्द कौन सा तैयार हुआ है स्व और शब्द बनते हैं स्वस्थ स्वाद स्वाधीन। और भी शब्द इसके बना सकते हो स्वच्छ स्वतंत्र इस प्रकार आप कोई भी शब्द लिख सकते हो। अब आगे देखिए खाली स्थान में स या श भरिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं उसमें हमें स और श भरना है। तो देखिए खाली स्थान में स और श ये दोनों में से एक भरना है। श और स स भरना है या फिर श भरना है जो सही होगा वो भरना है। तो देखिए डफ इसके आगे का यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है तो शब्द कौन सा पूर्ण बनेगा। श डालेंगे तो क्या सड़क होगा स डालेंगे तो सड़क होगा तो क्या है स सड़क शब्द कौन सा डालोगे स सरा खू श श ये शब्द बनेगा खुश। इसी प्रकार यहां पर शपथ हो गया क्या नहीं तो फिर क्या होगा शपथ श डालेंगे श श का उपयोग करेंगे यहां। और इसी प्रकार यहां पर रीर इसके आगे एक रिक्त स्थान है तो शरीर होगा क्या नहीं क्या होगा शरीर श शरीर। यहाँ पर ब और ना इसके बीच में रिक्त स्थान दिया गया है तो क्या है बस ना बस ना। अब देखिए ती इसके सामने रिक्त स्थान दिया गया है तो फिर यहाँ पर श लगेगी तो शक्ति शब्द कौन सा बनेगा शक्ति। इसी प्रकार जे तो यहाँ पर स शब्द डालेंगे तो यहाँ पर जो शब्द कौन सा तैयार होगा सब्जी। यहाँ पर हद शहद शहद शब्द कौन सा तैयार होगा शहद। यहाँ पर स डालेंगे तो क्या होगा समान ये शब्द तैयार होगा। इसी प्रकार जो है हमने ये प्रश्न देखे तो आप जो है इन शब्दों को जो है आपके पुस्तिका के अंदर भी लिख कर लीजिए ठीक है। इसके आगे का पाठ जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे ठीक है।